नमस्कार, स्वागत है आपका सात द न्यूज में। मैं हूं अमृता ताम्रकार। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में आईसीसी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने साधना न्यूज से खास चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस अदालत से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। बता दें, राहुल गांधी की संसद में सदस्यता समाप्त कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इस मसले पर देश भर में राजनीति बवाल और उबाल पर है। वही सवाल यह है कि अब राहुल गांधी क्या करेंगे। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी अब क्या करेंगे, ये सवाल गूंज रहा है। ये सवाल इसलिए भी गूंज रहा है क्योंकि संसद से इस वक्त उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। और सीधे हम समझेंगे भी क्योंकि कई महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है, निर्णय भी यहाँ पे लिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ मौजूद है। तो जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, अब ये सवाल है कि राहुल गांधी अब क्या करेंगे। सवाल राहुल गांधी जी का नहीं है और राहुल गांधी जी अपने बारे में कभी सोचते भी नहीं। अभी ए आई सी सी में जो कार्यक्रम हुआ, बोले 52 साल का हो गया, मेरा घर भी नहीं है। तो वो अपनी चिंता कभी नहीं करते। वो चिंता करते हैं देश के युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के, दक्षिण से लेकर उत्तर तक के सब लोगों की वो चिंता करते हैं। और इसी कारण से वो महंगाई, बेरोजगारी और जो समाज में जो खाई बढ़ रही है उसे पाटने की बात वो कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज़ आज बन चुके हैं और उन्होंने लोकसभा में जो मुद्दे उठाए अडानी और मोदी के संबंध के बारे में, उससे भारतीय जनता पार्टी बखला गई है और इस कारण से सदन को चलने तक नहीं दिया। सत्ता पक्ष ने पहली बार ऐसा किया कि सदन को चलने नहीं दिया और स्थिति यह है कि उसे सदस्यता रद्द कर दी। 2024 में चुनाव है, छत्तीसगढ़ की भी बात करें, केंद्र की भी बात करें, इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा, क्या इसका भी ये कारण हो सकता है? खींच ही कहेंगे बखला गई है भारतीय जनता पार्टी। जो ये सपना लेके चली थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो सपना उसका साकार नहीं हो रहा है बल्कि उल्टा हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी सिमटती जा रही है और जनता की नजरों से गिरती जा रही है। कानूनी दाव पेच की अब चर्चा हो रही है कि अब कांग्रेस क्या करेगी। आईसीसी की बैठक भी हुई है महत्वपूर्ण। हमारे लीगल सेल के लोग हैं, वो देख रहे हैं, वो लड़ाई भी लड़ेंगे, कोर्ट की लड़ाई भी लड़ेंगे और सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे। बिल्कुल, तो न्यायिक लड़ाई भी लड़ी जाएगी, सड़क की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने खास चर्चा भी की। और राहुल गांधी प्रकरण में, क्योंकि देखिए इस वक्त संसद से उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, जाहिर सी बात है। अब कांग्रेस का राजनीतिक स्टैंड क्या होगा, क्या वो कार्रवाई करेगी, किस प्रकार से कानूनी दाव पेच होंगे, इसे लेकर के लगातार सवाल सुलग रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री ने चर्चा में साफ कर दिया है कि जल्द ही कांग्रेस इस मसले पर एक्शन लेगी। एआईसीसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हुए थे और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रणनीति बनी है कि जल्द ही तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है, इस कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। कानूनी लड़ाई के साथ साथ कांग्रेस अब सड़क से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। इस समय सहयोगी डीके सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज रायपुर। देश की